एक ब्लाइंड गर्ल के नेबर का मर्डर हो जाता है। उसे जो भी पता है इससे उसकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी इन डार्कनेस ये 2018 की एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी है। इस मूवी की एंडिंग भी ट्विस्टेड है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैंने आपको जो स्टोरी बताई इससे और भी ज़्यादा चीज़ें इस मूवी में है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सोफी, ये हमसे इंट्रोड्यूस होती है। फर्स्ट सीन से हमें पता चलता है कि मूवी स्टूडियो के लिए म्यूजिक कंपोजिशन का काम करती है। इसके बाद वो किस तरीके से घर जाती है, क्या उसकी हैबिट्स है, इसके बारे में हमें पता चलता है। वो हमेशा एक कॉफ़ी शॉप आती है जिसके बाहर एक वायलिन प्लेयर होता है। अपने लिए जब वे कॉफ़ी बाय करती है तो वायलिन प्लेयर को भी दे देती है। ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो घर आने के बाद फर्स्टली अपने बिल्डिंग का लॉकर चेक करती है। यही चेक करते हुए आज उसे उसकी नेबर मिली। उसके नेबर का नाम है वेरोनिक। वेरोनिक की एक स्पेशल स्मेल थी, इसे सोफिया को हमेशा पता चल जाता था कि वेरोनिक ही है। वेरोनिक ने सोफी को थैंक यू कहा। एक्चुअली वेरोनिक के फादर के इवेंट में सोफी ने प्ले किया था। वेरोनिक सोफी से पूछती है, मेरे फादर के बारे में जो भी बात की जाती है क्या तुम्हें वो सच लगता है? यानी कि वेरोनिक के फादर कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ में फंसे हुए हैं। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। सोफिया कहती है, तुम्हें अपने फादर के बारे में क्या लगता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोफी ने आज घर आकर प्रैक्टिस की। रात में जब वो सो रही थी तो उसे वेरोनिक और उसके बॉयफ्रेंड का झगड़ा सुनाई दे रहा था। उसकी सही से नींद नहीं हो पाई। अगले दिन जब वो घर आ रही थी तो वेरोनिक का स्कार्फ ये स्टेयर्स पर था, इस वजह से वो नीचे गिर गई। उसके हाथ पर चोट आ गई थी। फिर से सोफिया ने अपना लॉकर चेक किया जिसमें उसे लेटर और एक पॉइजन मिलता है। पॉइजन अपने पास रखकर लेटर को जला देती है। रात में सोफिया से वेरोनिक फिर से लिफ्ट में मिली। वेरोनिक किसी से भाग रही थी पर लिफ्ट की वजह से वो बच जाती है। सोफिया ने वेरोनिक से कहा, ये तुम्हारा स्कार्फ ये नीचे पड़ा हुआ था। वेरोनिक कहती है, मेरे लिए इसे संभाल कर रखना, मैं जो सेंट यूज करती हूँ इसका नाम है लिक्विड गोल्ड। अब यहाँ पर वेरोनिक जरा कोर्ट वर्ड्स में बात कर रही थी। सोफिया घर में आई तभी वेरोनिक की ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ स्ट्रगल हुआ और वेरोनिक ऊपर से नीचे गिर गई, उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है। सोफी से क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम वेरोनिक को जानती थी? सोफी कहती है कि वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, हम सिर्फ हॉलवे में आते जाते मिला करते थे। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिंग डिटेक्टिव है इसका नाम है माइल्स। माइल्स से बहुत ही अच्छा डिटेक्टिव होता है। वो सोफी से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता? सोफी कहती कि मैं थोड़ी सी लाइट सेंसिटिव हूँ, बाकी उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद हमारा और एक मेन कैरेक्टर मार्क और उसके सिस्टर एलेक्स हमें दिखाए जाते हैं। मार्क वेरोनिक का बॉयफ्रेंड है और उसी से वो भाग रही थी। उसकी सिस्टर उसे पूछती है, ये काम हो गया? यानी कि उसके सिस्टर ने वेरोनिक को मारने के लिए उसे भेजा हुआ था। मार्क कहता है कि एक प्रॉब्लम है, वेरोनिक की नेबर ने मुझे देख लिया, यानी कि सोफिया के बारे में बात कर रहा था। उसे अब तक पता नहीं कि सोफिया ब्लाइंड है। एलेक्स को वेरोनिका से एक यूएसबी चाहिए था। इस यूएसबी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये यूएसबी मार्क को वेरोनिक के अपार्टमेंट में कहीं भी नहीं मिला। एलेक्स मार्क से कहती है, जल्द से जल्द उस यूएसबी को ढूंढो और नेबर को मार डालो। मार्क डायरेक्टली वेरोनिक के डेड बॉडी के पास हॉस्पिटल में भी पहुंच गया था। उसकी सारी चीज़ें चेक करता है, उसमें उसे यूएसबी कहीं भी नहीं मिला। न्यूज़ से हमें पता चलता है कि वेरोनिक के फादर एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन है। आजकल उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि वॉर में उन्होंने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मार डाला था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्क रात में सोफिया को मारने के लिए आया हुआ है। उसे मार ही डालता पर उसने नोटिस किया कि सोफिया कुछ भी देख नहीं सकती। सोफिया को भी पता चल गया था कि उसके घर में कोई है, पर मार्क वहाँ से चला जाता है। डायरेक्ट टू माइल्स ही वेरोनिक के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। सबको लग रहा था एक सुसाइड है, पर अभी अभी उसे पता चला कि वेरोनिक प्रेग्नेंट थी। उसने अभी अभी नोज जॉब भी करवाया हुआ था, यानी कि अगर वो अपने आप को इम्प्रूव कर रही थी तो सुसाइड नहीं कर सकती। इसके बाद वेरोनिक के फादर के यहाँ उसका फ्यूनरल चल रहा था। मार्क को अभी अभी पता चला कि वेरोनिक प्रेग्नेंट थी। ये मार्क का ही बेबी था। वो इस बारे में उसके सिस्टर से बात करता है, कहता है, या तुम्हें इसके बारे में पता था? सिस्टर कहती है, तुम ज़्यादा इस बारे में सोचो मत, वेरोनिक को उसके फादर ने मारा और तुम सिर्फ एक जरिया थे।
वेरोनिक को उसके फादर ने क्यों मारा, इसका रीजन उस यूएसबी में है। वेरोनिक के फादर का नाम है रेडिज और उन्हीं के लिए एलिस काम करती है। वही चाहते थे कि वेरोनिका की डेथ हो जाए। वेरोनिका को मारने का काम उसी के बॉयफ्रेंड मार्क को दे दिया गया। इस फ्यूनरल पर सोफी पियानो प्ले करती है। एलेक्स ने मार्क से पूछा कि उस नेबर का क्या हुआ। मार्क कहता है कि वो ब्लाइंड थी, उसने मुझे देखा नहीं। सोफी वही धुन प्ले कर रही थी जिसे वेरोनिका के फादर बचपन में गुनगुनाया करते थे। इस बात से फादर इमोशनल हो गए। वो सोफी को अपने साथ लेकर जाते हैं। वेरोनिका की बचपन की बातें उसे बता रहे थे। बात करते करते ही रेडिज को एलेक्स ने बुला लिया। सोफी के पास का पॉइजन वो रेडिज की ड्रिंक में मिलाने वाली थी, तभी एक आवाज से वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। उसका पॉइजन नीचे गिर जाता है। एलेक्स ने रेडिज को बताया कि पुलिस को अब भी लग रहा है वेरोनिका की डेथ एक सुसाइड थी। इन्हें वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं। बात करने के बाद रेडिज फिर से सोफिया के पास आया। उसे कहता है अब मुझे कुछ काम है, पर मैं तुमसे फिर से मिलना चाहूंगा। सोफी भी इसके लिए हाँ कहती है। अब यहाँ से जाने के लिए सोफी को एक प्रॉब्लम है, उसका पॉइजन नीचे ही पड़ा हुआ है। उसने पॉइजन का छोटा सा कंटेनर ब्रेक कर दिया। जाते वक्त अपने शैंपेन का ग्लास नीचे गिरा देती है, जिससे सब कांच में उसका पॉइजन पता ना चले। ये सब करते वक्त वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। यहाँ पर वॉशरूम में सोफिया और एलेक्स मिले। एलेक्स चेक करती है कि सोफिया एक्चुअल में ब्लाइंड है या नहीं। एलेक्स ने सोफिया को टिश्यू देने में हेल्प की। जाते जाते सोफिया कहती है कि शूज तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। सोफिया कुछ भी देख नहीं सकती, तो एलेक्स इस बात को मजाक में लेती है। रात में घर जाते वक्त सोफिया का रास्ता कुछ गुंडों ने रोक लिया। सोफिया उन्हें सब कुछ पैसे वगैरह देने के लिए रेडी थी, पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग गए। उसके साथ कुछ भी हो सकता था, पर तभी वहाँ माइक आ गया। माइक ने इन सब से फाइट की और सोफिया को बचा लिया। सोफिया बहुत ही डर गई थी। माइक उसे अपना हाथ देता है, कहता है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। इसके बाद ये दोनों कैफे में आए। सोफी माइक से पूछती है क्या तुम रात में ऐसे स्ट्रीट से घूमते रहते हो। माइक कहता है कि मैं मेरी सिस्टर के साथ एक सिक्योरिटी फर्म में हूँ। जो भी हुआ ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। वो सोफी से कहता है तुम्हें इस इंसिडेंट के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। सोफी कहती है मैं फिर से पुलिस से डील नहीं करना चाहती है। उसने कहा कि अभी अभी वेरोनिक की डेथ हुई, तो पुलिस ने मुझे क्वेश्चन किया था। मार्क पूछता है कि तुमने क्या बताया। सोफी कहती है मुझे कुछ भी सुनाई भी नहीं दिया था, मैं हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। पुलिस को भी उसने कुछ भी बताया नहीं था। वो कहती कि मेरे पास वेरोनिक का स्कार्फ है, मैंने इसके बारे में भी उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मैं नीचे गिर गई थी, इसी वजह से इस स्कार्फ पर मेरा ब्लड लगा था। सोफी जब कैफे से बाहर जाती है तो उसके फ्रेंड को कहती है कि अगर ये आदमी फिर से तुम्हें दिखा तो सैड सा म्यूजिक चलाना। सोफी को रात में उसके बचपन के ट्रामेटिक सपने याद आते हैं। अगली सुबह जब सोफी पियानो बजा रही थी तो उसने नोटिस किया वेरोनिका ने अपना यूएसबी उसके पॉकेट में डाल दिया था। मरने से पहले लास्ट टाइम उसने बोला था उसका सेंट लिक्विड गोल्ड है, यही उस यूएसबी का पासवर्ड भी है। सोफी से मिलने के लिए फिर से डायरेक्ट टू माइल्स आए। या तुम्हें उस इंसिडेंट के बारे में और भी कुछ याद आया। सोफी कहती कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद सोफी और एक कैरेक्टर से मिलती है, इसका नाम है नील। नील उसे कहता है कि अब तुम्हें गायब हो जाना चाहिए, तुम्हारा मिशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है। इसका मतलब है सोफी एक इंटेलिजेंस की कंपनी के लिए काम करती है। रेडिश को मारना है उसका मिशन था। सोफी कहती कि मैं इस तरह से अब पीछे नहीं हट सकती, यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। रेडिश को मारना ये उसके लिए पर्सनल है। वो कहती कि मेरे पास और एक वे है, मैं रेडिश को मार सकती हूँ। अपने पास की यूएसबी ड्राइव और पासवर्ड उसने नील को दे दिया। नील और सोफिया के बीच की रिलेशनशिप एक फादर डॉटर की तरह है, इसीलिए नील उसके लिए बहुत ही ज्यादा वरी करता है। अचानक से रस्ते से चलते हुए सोफिया को एक वैन में डालकर ले जाया जाता है। उसे बांधकर कुछ लोग टॉर्चर कर रहे थे। उसे पूछते हैं तुम्हें यूएसबी के बारे में क्या पता है। वो उन्हें कुछ भी नहीं बताते, वो उसे मार डाल दे। तभी मार्क वहां पहुंच गया। सबको मार डालकर वो सोफी को बचा लेता है। वो कहता है तुम्हारे पास की यूएसबी तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो यूएसबी तुम मुझे दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मार्क भी सोफिया को जबरदस्ती लेकर जा रहा था। सोफिया स्ट्रगल करती है तो मार्क कहता है मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। सोफिया मानती नहीं। आसपास पुलिस थे तो उनसे उसने हेल्प मांगी। मार्क फिर यहाँ से चला जाता है। सोफिया इंजोर्ड थी तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं।
उसे नील मिलने के लिए आया। वो कहता है ये जो यूएसबी तुमने मुझे दी थी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेडीज ने जो भी किया था और जो भी उसका ऑपरेशन चल रहा है इसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस यूएसबी में है। अगर ये यूएसबी किसी को मिलती है तो रेडीज को रिप्लेस कर सकता है। ये यूएसबी चुराने के पीछे दो लोग थे, एक थी विरोनिका, उसका कोड नेम था गोल्ड, दूसरा जो है उसका कोड नेम है सिल्वर। इसके बारे में उन्हें अब तक पता नहीं। वेरोनिका कहती है कि मैं सिल्वर के पास पहुंच जाऊंगी। नील कहता है इन कोड की वजह से तुम रेडिश तक पहुंच सकती हो। हॉस्पिटल से भागने का रास्ता बताकर नील वहां से चला गया। इस टाइम नील की तबीयत बहुत ही खराब थी, वो अपने मेडिसिन भी नहीं ले रहा था। सोफिया जब घर पर आए तो उसका पूरा घर तहस नहस पड़ा हुआ था। उसे साइड से वायलिन की आवाज सुनाई देती है। सोफिया ने अपने फ्रेंड को कहा था कि अगर वो मार्क को देखे तो सैड सा वायलिन बजाए। सोफिया फिर मार्क को मैसेज दे देती है कि उसे आकर मिले। सोफी वेरोनिक की फ्लैट में बैल्कनी के पास खड़ी थी। जब मार्क वहाँ पहुँचता है तो सोफी ने पूछा जब तूने वेरोनिका को मारा था तो क्या वो वही खड़ी थी। मार्क कहता है वेरोनिका की मेंटल हालत सही नहीं थी, मुझे उसे मारने के लिए भेजा तो गया था पर मैंने उसे नहीं मारा। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ भाग जाऊँ पर मैं कर नहीं सकता था। वो प्रेग्नेंट थी और मुझे पनिश करने के लिए उसने सुसाइड कर ली। सोफी मार्क के पास आकर कहती है जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर मुझे और मेरी सिस्टर को दोनों को ब्लाइंड फोल्ड कर पियानो सिखाया करते थे। यानी कि सोफी की सिस्टर को पता हो कि ब्लाइंड होना क्या होता है। सोफी के पास का वेरोनिक का स्काफ लेकर वो मार्क के आंखों पर बांधती है। इसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट हो गए। इंटीमेट होने के बाद सोफिया मार्क से कहती है कि मैं बोस्निया के एक छोटे से विलेज में रहा करती थी, एक दिन सर्बियन मिलिट्रीज आए और उन्होंने मेरे पूरी फैमिली को मार डाला। वो छिप गई थी इसलिए बच गए। उस मिलिट्री का बॉस रेडिश था। मार्क सोफी से कहता है तुम बदला लेना चाहते हो पर इससे भी तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, अब जो तुम्हारे अंदर का डार्कनेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सोफिया मार्क से कहती है मुझे तुम्हारी सिस्टर से मिलना है। सोफिया ने फिगर आउट कर लिया था कि मार्क की सिस्टर ही वेरोनिका के साथ काम कर रही थी। सोफिया मार्क से कहती है तुम्हारी सिस्टर को जाकर बताओ कि मैं उसे यूएसबी दे सकती हूँ। ये दोनों एक जगह पर मिले और सोफिया ने एलेक्स को यूएसबी दे दिया। सोफिया ने अपने पास भी एक कॉपी रखी है। एलेक्स पूछती है तुम्हें इसके बदले में चाहिए क्या। सोफिया ने कहा मुझे रेडिश के साथ अकेले में टाइम चाहिए, यानी कि उसे मार सके। सोफिया एलेक्स को ब्लैकमेल करती है। एलिस के पास और भी कोई चॉइस नहीं था, अगर ऐसा उसने नहीं किया तो सोफिया उसके बारे में सब कुछ रेडिश को बता देगी। वेरोनिका के फ्यूनरल पर एलेक्स सोफी और रेडिश की गाड़ी में मीटिंग फिक्स करती है। फ्यूनरल के बाहर भी रेडिश के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था। रेडिश सोफिया से कहता है ये लोगों के मरने से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लोग छुपने की कोशिश करते हैं पर मैं उन्हें ढूंढ कर मार डालता हूँ। सोफिया की फैमिली को भी इसी तरीके से उसने मार डाला था तो सोफिया इस बात से छिड़ गई। वो चाकू से अभी के अभी रेडिश को मारने की कोशिश करती है पर रेडिश उसे रोक लेता है। वो कहता है तुम में ये जो सब डेरिंग है ये तुम्हारे फादर से नहीं आती। रेडिश को सोफिया के बारे में सब कुछ पता है। उसने सोफिया को कहा एक दिन मैं तुम्हारी मदर को जंगल में लेकर गया था, मैंने जबरदस्ती उसका रेप किया, मैं पावरफुल हूँ इस वजह से तुम्हारी मदर ने कुछ भी नहीं कहा। यानी कि रेडिश सोफिया को बता रहा था कि वो उसकी डॉटर है। जिस दिन रेडिश ने सोफिया की फैमिली को मार डाला था उस दिन मारने से पहले उसने सोफिया की मदर का फिर से रेप किया था। इस सब बात पता चलने के बाद सोफिया और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। वो उसे मारने की बहुत कोशिश करती है पर मार नहीं पाती। रेडिश उसे गाड़ी से बाहर निकाल देता है। हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है उस वॉर में नील ने ही सोफिया को बचाया हुआ था। वो नील को हेल्प करने के लिए कॉल करती है पर उसकी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। नील की असिस्टेंट ने सोफिया से कहा तुम्हारे इस कंट्री से भाग जाने के लिए नील्स ने कुछ प्लान्स किए थे, अगर तुम चाहो तो जल्दी से भाग सकती हो। सोफी बदला लिए बिना कहीं भी जा नहीं सकती। वो हेल्प मांगने के लिए पुलिस स्टेशन आई हुई थी पर अपना माइंड उसने चेंज कर दिया। माइल्स को जब इसके बारे में पता चला तो सोफिया से मिलने के लिए आता है। उसे सब कुछ बताने के लिए कह रहा था और सोफिया कुछ भी बताती नहीं। माइल्स ने कहा तुम भी मिस्ट्री बॉक्स की तरह हो, अंत तक उसके बारे में जान ही लेगा। रात में रेडिश एलेक्स को अपने पास बुलाता है। उसे पता चल गया था कि एलेक्स उसे धोखा दे रही थी। एलेक्स ने जब रियलाइज किया कि वो डेंजर में है तो जल्दी से वहां से भाग जाती है।
रात में एलेक्स मार्क से मिली, उससे कहती है मुझे इस कंट्री से निकल जाने के लिए हेल्प करो वरना रेडिस मुझे मार डालेगा। मार्क उसे हेल्प नहीं करना चाहता था तो एलेक्स कहती है फैमिली के लिए तुम्हें हेल्प करना ही पड़ता है। मार्क ने अपनी बेबी की सोनोग्राफी की फ़ोटो एलेक्स को दिखाई, वो कहता है फैमिली की वजह से ही मैं अब तुम्हें हेल्प नहीं करूँगा। एलेक्स की वजह से वेरोनिका की डेथ हुई, इसी का बदला वो एलेक्स से ले रहा था। मार्क की हेल्प ना करने की वजह से एलेक्स को उसका ड्राइवर ही मार डालता है। रात में जब सोफी घर पर अकेली थी तो उसके पास रेडिस आया, वो कहता है कितनी अजीब बात है मेरी दोनों डॉटर्स मुझे मारना चाहते थे। वो पीछे से आकर सोफी का गला दबाने लग जाता है। मार्क को पता है कि सोफिया डेंजर में है तो उसे बचाने के लिए वो भी बिल्डिंग में आ गया। रेडिस के बहुत सारे आदमी नीचे थे तो इन सब से वो फाइट करता है। रेडिस और सोफिया में फाइट हुई, रेडिस सोफिया को मार ही डालता उससे पहले एलेक्स ने उसे बचा लिया। जिस तरीके से वेरोनिका की ऊपर से नीचे गिरकर डेथ हुई थी उसी तरीके से मार्क भी रेडिस को मार डालता है। इस फाइट में मार्क भी इंजोर हो गया था। सोफिया ने देखा उसे हेल्प करने लग गई, उसने फर्स्ट टाइम मूवी में कुछ देखा था। मार्क रियलाइज करता है कि सोफी सब कुछ देख सकती है, उसे कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना पुलिस तुम्हें भी पकड़ लेंगे, तुम हर किसी को नहीं बचा सकते। अब हमें पता चलता है सोफिया फर्स्ट टाइम से मार्क को यूज कर रही थी। मार्क ने जब उसका पीछा किया तो उसे उसके बारे में सब कुछ पता था, उस पर कोई शक ना करे इसलिए वो ब्लाइंड है इसका प्रिटेंड कर रही थी। वो सही तरीके से प्रिटेंड कर सकती है क्योंकि बचपन में उसकी सिस्टर ब्लाइंड थी। उसने प्रीवियसली मूवी में मार्क से कहा था मेरे फादर मुझे और मेरी सिस्टर को ब्लाइंड फोल्ड लगाकर ट्रेनिंग दिया करते थे। सोफिया की सिस्टर ब्लाइंड थी तो फादर चाहते थे सोफिया को भी पता हो कि ब्लाइंड होना क्या होता है, इसी वजह से ब्लाइंड होकर सोफिया अपनी लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर सकती थी। किसी को उस पर शक भी नहीं गया। सोफिया जल्दी से यहाँ से चली गई। डिटेक्टिव माइल्स भी इस क्राइम सीन तक पहुँच गया। वो सोफिया को यहाँ से जाते हुए देखता है, अगर वो चाहता तो उसे रोक पाता, पर यहाँ जो भी हुआ इसके बारे में उसे पूरा आइडिया है। उसे पकड़ने की कोई भी कोशिश नहीं करता। इसी तरीके से इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। आप अपने आप का ख्याल रखिए।